महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में आरोपी महंत आनंद गिरी की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने आनंद गिरी के श्यामपुर स्थित 3 मंजिला आश्रम को सील कर दिया है। 20 सितंबर को नरेंद्र गिरी के आत्महत्या की खबर के बाद ही यूपी पुलिस ने आश्रम से आनंद गिरी को गिरफ्तार किया था। आनंद गिरी अवैध रूप से खड़े किए गए आश्रम में रह रहा था, जबकि बिल्डिंग संविदा विभाग HRD ने पहले ही सील कर दी थी। आश्रम का निर्माण गंगा किनारे अवैध रूप से किया गया है, इस पर मई महीने में भी निर्माण कार्य रोककर सील लगा दी गई थी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि आश्रम सील करने के साथ साथ बिल्डिंग के मालिक को नोटिस भी दे दिया गया है। जांच के बाद नियमों के अनुसार अवैध निर्माण करने वाले पर FIR भी दर्ज की जा सकती है। इसकी जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये 13 मई को ये आश्रम सील किया गया था और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था, जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो JEE हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील।